मधुबनी एसएसबी हत्याकांड का मधुबनी पुलिस ने किया उद्भेदन, दो गिरफ्तार, अन्य की तलाशी जारी। आपको बता दें कि बीते दिन मधुबनी जिला के लदनिया थाना क्षेत्र के योगिया गांव के नज़दीक शराब तस्करों के द्वारा एसएसबी जवानों को चार चक्का वाहन से रोकने पर जवानों की मौत मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में एसडीपीओ विप्लव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक मधुबनी के द्वारा एसआईटी टीम का गठन किया था। एसडीपीओ विप्लव कुमार के नेतृत्व में गठित एसआईटी टीम में पुलिस निरीक्षक आर के भानु, पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष जयनगर अमित कुमार, थानाध्यक्ष लदनिया संतोष कुमार, देवदा थाना अध्यक्ष रमेश कुमार के संयुक्त प्रयास से मामले का उद्भेदन करते हुए दो दिनों के भीतर चालक सहित दो लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। गिरफ्तार व्यक्ति बाबूर रही थाना क्षेत्र के भूपटटी गांव का दिलीप कुमार यादव व जयनगर थाना क्षेत्र का सेलरे गांव का राकेश यादव शामिल है। वहीं अन्य संलिप्त की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी जारी है। रिपोर्ट राजीव कुमार झा। थी कि 29/8/2022 को संध्या में जो है लदनिया थाना अंतर्गत योगिया सिमरा टोल में एसएसबी के जवान को जो है शराब तस्करों द्वारा जो है धक्का देके गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, जिसमें एक हेड कांस्टेबल जो था उसकी मृत्यु हो गई थी इलाज के दौरान, ये देवराज की हेड कांस्टेबल की। उसी क्रम में जो है केस दर्ज करके सुसंगत धाराओं में कांड संख्या 264/22 अनुसंधान शुरू किया गया, और अनुसंधान के क्रम में जो उसमें जो लोग संलिप्त थे उस वाहन में स्कॉर्पियो के द्वारा धक्का दिया गया था, उसमें सिकंदर यादव, नवल यादव, विवेक यादव, इन लोगों की आइडेंटिफिकेशन कर ली गई है। और साथ ही साथ स्कॉर्पियो को बरामद कर लिया गया, चालक को भी बरामद कर लिया गया, दिलीप कुमार यादव जो कि भूपट्टी बाबूबरही का रहने वाला है। और इसमें जो है दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, घटना में जो चालक था वो, और दूसरा जो है राकेश यादव, जिसके यहाँ जो है इसमें कुछ लोग जो अभियुक्त लोग ठहरे हुए थे, जो लाइनर का काम किए थे, जो विवेक है, नवल है, मनोज है, उन लोग दो की गिरफ्तारी हुई है। दो मोबाइल बरामद हुआ है और प्लेटिना मोटरसाइकिल जिसमें शराब था और स्कॉर्पियो, इसकी बरामदगी की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी टीम के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में दिशा निर्देशन में हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। अन्य लोग भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इसको गिरफ्तार कर सकते हैं? गिरफ्तार किया गया है चालक को जो है उसके अपने जगह से, घर से भूपट्टी जो कि बाबूबरही थाना के अंतर्गत पड़ता है, और इसने अपनी स्वीकारोक्ति में सारी चीज़ों को स्वीकार कर लिया है। गाड़ी भी वहीं से बरामद। हाँ, इसमें जो जितने भी विवेक हैं, नवल हैं, मनोज हैं, ये लोग गाड़ी में थे और तस्कर हैं, शराब तस्कर हैं। इन लोग की छापामारी चल रही है, जल्द ही इन लोग को उस दिन शराब लेके ये लोग आ रहा था खेत लेके। उस स्कॉर्पियो में लोग था और जो प्लेटिना था उस पर शराब बरामद हुआ था, और प्लेटिना गाड़ी में वही विजय कुमार का है। बाइक चालक का शिनाख्त हुआ? हाँ, शिनाख्त हो गया है, विजय यादव है, और उसकी भी छापामारी चल रही है, जल्द गिरफ्तार कर लिया। कॉपी सर्विस